एसक्यूएल सर्वर में हम डेटा को क्यों रखते हैं इसके बारे में जाने। अब मैं बहुत सारा थ्योरिकल पार्ट और बहुत सारे जो बुक्स वगैरह में होते हैं या फिर जो हमारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो बताते हैं कि स्टैक ये होता है, फलाना होता है, चलाना होता है, वो नहीं बात कर रहा मैं, सिंपल बात कर रहा हूँ आपके साथ कि आप अगर कोई डेटा आप रखना चाहते हैं राइट, तो आपके पास दो, सबसे पहले देखना होगा कि डेटा की एबिलिटी और क्वांटिटी कितना है आपके। अगर मान लीजिए कि 5-10 हज़ार का डेटाबेस की क्वांटिटी है तो आप एक्सेल एक्सेस जैसे सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, गूगल सीट वगैरह यूज कर सकते हैं, फिर आपको एसक्यूएल सर्वर पर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके पास डेटा काफी ज्यादा है या आपने भी जैसे स्टार्टअप किया है, इन फ्यूचर में डेटा काफी ज्यादा हो सकता है, तो आपको एक डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी जहां लिमिटेशन का कोई चक्कर ना हो। लिमिटेशन डिपेंड करता होगा आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी पे, बस समझ गए। दूसरा होता है वैलिडेशन, क्योंकि अगर आपका डेटा है तो सिक्योरिटी होनी चाहिए ना, डेटा सिक्योर होना चाहिए कि ऐसे ही कोई डेटा आके एक्सेस ना कर दे। एक्सेस का एक, जैसे मेरा भी डेटा है ये लोकल होस्ट है, मेरा जो एसक्यूएल सर्वर दिख रहा है लोकल होस्ट है, मतलब इसको एक्सेस करने के लिए किसी को मेरा कंप्यूटर एक्सेस करना पड़ेगा। तो डेटाबेस दो तरह का होगा, लोकल होस्ट और दूसरा होता है आपका क्लाइंट बेस। क्लाइंट बेस में क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशंस में एक आपका सर्वर पड़ा होता है, ठीक है, और बाकी जो डेटाबेसेस है, बाकी जो पीसीज है उससे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना, एक विंडो की तरह, एक खिड़की की तरह। मतलब कि आपका डेटा का जो भी होता है ये इसी के अंदर में होता है, ये चीजें बस एक मीडियम होता है क्लाइंट सर्वर, जिसके मदद से ये डेटा यहां से लेता है और देता है, लेता है और देता है, समझ गए। तो सेम थिंग आपका होता है एसक्यूएल सर्वर, तो एसक्यूएल सर्वर इसी चीज के लिए यूज की जाती है। तो हम आपको सिखाएंगे कि हाउ कैन क्रिएट द सर्वर, किस तरीके से हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसके अंदर टेबल्स क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करते समय क्या क्या चीजों की जरूरत रखेगी वो करेंगे, फिर डेटा इनपुट्स जो है मतलब कि डेटा एंट्री कैसे होगी, आप डेटा एंट्री का इंपोर्ट के माध्यम से करना चाहते हैं या नॉर्मली डेटा एंट्री करना चाहते हैं या किसी एक्सेल से या एक्सेस से या वेबसाइट एचटीएमएल से लेना, डेटा को लेना चाहते हैं, इनपुट्स आउटपुट आप डेटा इसमें से निकालेंगे तो निकालते समय कैसे निकालना है आपको, डायरेक्ट निकालना है या किसी अलग एप्लीकेशन से निकालना है, डिफरेंट में लिंक से पावर वी आई कैसे लिंक करेंगे, दैट इसके अंदर आता है क्यूरी। क्योंकि डेटा जब निकालेंगे, अब मान लीजिए कि आपके पास करोड़ों डेटा है, आपके पास करोड़ों डेटा, करोड़ लाइन तो डेटा है पड़ा हुआ है सिस्टम पे राइट, सर्वर पे पड़ा हुआ है। अब आपको एक डेटा इंपोर्ट करने के लिए एक क्यूरी की जरूरत पड़ेगी, रीजन कि अब सारा डेटा निकाल के थोड़ी देंगे। हाँ हाँ वो तो जैसे है। मान लीजिए कि फेसबुक का सर्वर है और आपने फेसबुक पे गए और आप बोलते हैं कि मेरा चैट हिस्ट्री निकाल के दे दो, तो यहाँ एक क्लाउड हो, एक सिस्टम होगा ना कि हाँ कि हमें आप ही का चैट हिस्ट्री निकाल के देना है, वो भी एक पर्टिकुलर रेंज पे। तो इसके लिए इसके अंदर क्यूरी डाली जाएगी, इसमें कंडीशन डाले जाएंगे, सारे वैलिडेशन डाले जाएंगे, और सबको चेक करने के बाद जिस कंडीशन और जिस वैलिडेशन पे आपने मांगा है रिपोर्ट वही डेटा आपको निकाल के देगा, पूरा का पूरा डेटा नहीं देगा। क्योंकि तो पूरा का पूरा अगर डेटा आपका दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। हाँ जैसे ये देखिए यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे अगर हम यहाँ से भी देख, सिलेक्ट टॉप, यहाँ पे दिख रहा है डेटा पूरा दिख रहा है, ठीक है। हाँ डेटा दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए कि डेटा ला, अब यही सेम क्यूरी हम अलग अलग जगहों पे भी करेंगे कि मैंने यहाँ पे टॉप 100, यहाँ पे हमने डाला हुआ है कि टॉप 100, यहाँ पे डाला स्टार, तो ओवरऑल डेटा निकाल के दे दिया, दे दिया। लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, सिर्फ आईडी दो, ठीक है, और मान लीजिए नेम दो, ठीक है सर।
अब यहाँ पे टॉप 1000 आईडी और नेम आएगा, 1000 ही आएगा, लेकिन मैं बोलता नहीं टॉप 1000 नहीं, मुझे ओवरऑल चाहिए आईडी और क्या आपका ओवरऑल आईडी और सॉरी स्टार्ट लगा दिया, स्टार्ट मतलब सब कुछ हो जाता है ठीक है। अब इसमें आप कंडीशन भी दे सकते हैं कि मैं सिर्फ पूजा का नाम चाहता हूँ ठीक है ना, कि वेयर वेयर यहाँ पे नेम इक्वल सॉरी पूजा इन्वर्टर हुआ मेरा सिंगल कोट में होगा आ गया सर पूजा ही आया सर। तो इस तरह की कंडीशंस डालते हैं, ऐसे मान लीजिए 5-7 टेबल्स है, 5-7 डेटाबेसेस है, उसका इंटरलिंक करना, इसे वीलुकअप करते हैं समझ हम लोग वो सब करना, तो हमारी कोर्स में जनरली यही चीज आती है जो कि एक डेटा एनालिटिक्स को जरूरत पड़ती है, चाहे आप मेटाबेस में यूज करें, पावर बीआई में यूज करें, टैबलो में यूज करें, क्योंकि मेटाबेस भी आप यूज कर रहे हैं तो मेटाबेस में आपको पहले डेटा लेके आएंगे, चाहे एसक्यूएल से लाए चाहे ओरेकल से लाए, डेटा जब आपका आ जाएगा देन आपका मेटाबेस का यूज होता है। सेम पावर बीआई में भी होता है कि एक बार डेटा हमने इम्पोर्ट किया उसके बाद ही हमारा पावर बीआई का काम शुरू होता है। तो ये एसक्यूएल सर्वर में मतलब यही जो आपने दिखाया है बस यही है, देखिए इसमें ये हाँ बस एसक्यूएल सर्वर में यही है और क्या हो सकता है इसमें, इसमें और चीजें हैं जैसे कि सिक्योर माने कि बाकी और चीजें भी होती है इसमें, लेकिन वो बड़े लेवल पे होती है जब आप क्लाइंट बेस्ड सर्वर यूज करते हो उसमें वैलिडेशन एडमिन रूल। तो मतलब ये एसक्यूएल सर्वर जो है लाइक एक प्रकार से आपका डेटा रहेगा ठीक है, एंड डेटा के हिसाब से जैसा आप वहां कंडीशन देंगे वैसा डेटा आपको मिल जाएगा। देखिए डेटा इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना एंड मैनिपुलेट करना, बस तीन चीजें जो होगी इसमें मेन होता है। नहीं समझे, डेटा इंपोर्ट करना, अब एसक्यूएल सर्वर में डेटा अपने आप तो नहीं ना आ जाएगा, डेटा के नहीं कहीं से इनपुट होगा ना, नहीं डेटा तो नहीं आएगा वो तो इंपोर्ट करेंगे। अब जरूरी थोड़ी कि आप मान लीजिए कोई एक्सेल फाइल पे आप दबाओगे आप डालते रहेंगे तो फिर ऑटोमेशन नहीं ना हुआ। जैसे मान लीजिए कि आप वेबसाइट यूज करते हैं, सेल होता है हाँ। तो सेल्स जो हुआ सेल्स बाय किया उसका डेटा के नहीं स्टोर डायरेक्ट एक एक करके होगा ना हाँ। जैसे आपने एक फॉर्म बनाया और फॉर्म के सबमिट बटन पे क्लिक किया तो क्लिक करते डेटा के जाके स्टोर होना चाहिए, चाहे इंटरनेट पे किसी कोई फिल किया मतलब इंक्वायरी ही किया तो सबमिट किया तो वो किसी ने किसी डेटाबेस में जाएगा ना। इंपोर्ट करने के माने डेटा इनपुट करने के लिए सिर्फ इंपोर्ट ही एक ऐसा पार्ट नहीं होता है, उसमें बहुत सारे केसेस होते हैं कि कहाँ से डेटा इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करते समय क्या वैलिडेशन होनी चाहिए। अब मान लो कि सेल्स डेटा इंपोर्ट कब ऐड होगा, जब सेल्स ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा ना, पता चला कि पेमेंट हुआ ही नहीं और डेटा आपका ऐड हो गया। ऐसे चीजें देखनी होती है, कंडीशंस वगैरह देखने होते हैं ठीक है। ये सब चीजें हमें एसक्यूएल सर्वर सिखाते हैं, तो एसक्यूएल सर्वर मेरा डेटा एनालिटिक्स का पार्ट है, एसक्यूएल सर्वर बहुत बड़ी चीज है, .NET के साथ भी चलती है, PHP के साथ भी चलती है, आपका C के साथ, Java के साथ, जितने भी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स हैं वो सब के साथ चलती है बैकएंड में डेटाबेस के लिए। लेकिन जो क्यूरी में बता रहा हूँ ना, जैसे सिलेक्ट किया मैंने, वेयर किया, एक क्यूरी सब जगह सेम चलती है, एवरीवेयर सेम चलती है। समझ गया मैं, समझ गया, समझ गया। बाकी आप देख लीजिए,